subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. For this video, we will see copper analysis for next week. So let's start with the monthly chart. So monthly chart pe aap dekhoge, copper trade kar raha hai for the month down by almost 5%. Last month हमने जो है तो copper में अच्छी खासी profit booking देखी थी और लगभग 10-11% ये down बंद हुआ था. ये जो selling है ये continue हो रही है इस महीने में. लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कॉपर जो है तो 661 पे बंद हुआ है लगभग 4 रुपये लॉस के साथ. यहाँ मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो हम 20 मंथ का जो एवरेज है उसके नीचे स्लिप कर चुके हैं. अभी जो है तो हम जा रहे हैं जो 50 वीक का एवरेज है वो लगभग 590 के अराउंड है. तो 590 ये टारगेट होगा इस करेक्शन का. ऊपर जो है तो 675 ये रेजिस्टेंस रहेगा. उसके नीचे मुझे लगता है कि कॉपर पे प्रेशर बना रहेगा और नीचे जो है तो 590 आपको जो है तो आने वाले महीनों में दिखाई दे सकता है. यहाँ जो निचला टारगेट था 630 का वो अचीव हो चुका है. अभी यहाँ एज पर पी वॉट 575 उसके बाद में जो है 490 के टारगेट ओपन हो रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म करेक्शन. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि ये लगभग 5वां वीक है जिसमें कॉपर प्राइजेस जो है तो नेगेटिव में बंद हुए हैं और ये कंटिन्यू हो सकता है आने वाले हफ्तों में भी, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं जो 200 वीक का एवरेज उसके तरफ 598 की तरफ. तो यहाँ सेल ऑन राइज भी रहेगा. ऊपर जो है तो आपको मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, एक 680 पे है और उसके बाद में 685 पे है. तो 685 के अराउंड अगर कॉपर मिलता है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट जाना चाहिए. आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 598-600 रुपीज़ का. उसके नीचे जाते हैं तो आपको जो है तो 490 के भी टारगेट कॉपर दिखा सकता है. तो ये लॉन्ग टर्म करेक्शन ड्यू है और ये कंटिन्यू हो रहा है. मुझे लगता है कि हम जो है तो 590 के अराउंड जो है तो 590-580 के अराउंड जो है तो शायद बॉटम बना के वहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं. करंटली ट्रेंड इज वीक और यहाँ सेल ऑन राइज व्यू का स्ट्रैटेजी रहेगी. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो निचले टारगेट एक के बाद एक कॉपर ने अचीव कर लिए हैं. यहाँ ओवरसोल्ड जोन में हम जो है तो नीचे जा रहे हैं. यहाँ ऊपर जो है 683 रेजिस्टेंस है तो उसके नीचे जब तक है कॉपर आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए. आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 600 रुपीज़. तो 683 के नीचे मेरा व्यू जो रहेगा वो सेल ऑन राइज रहेगा. यहाँ दिक्कत एक है कि डेली चार्ट पे हम ओवरसोल्ड है तो यहाँ कभी भी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है और जो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी वो बहुत ही शार्प और फ्यूरियस रहेगी, जिसका टारगेट 730 से लेकर लगभग 750 तक हो सकता है. तो जिनको भी जिनके पास भी शॉर्ट पोजीशन है ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे बना हुई है उन्हें 683 पे आपका स्टॉप लॉस जो है तो ट्रेल करना होगा. और 683 के नीचे जब तक है कॉपर तब तक आप शॉर्ट में रह सकते हो. जैसे ही ये 683 के ऊपर जाएगा आपको जो है तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है और ये जो है तो ये शार्प और फ्यूरियस रहेगी. तो यहाँ मोस्टली आई विल प्रीफर टू स्टे अवे फॉर पोजिशनल ट्रेड. इंट्राडे में जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रहेगा हमारा जब तक कॉपर जो है तो 590-580 लेवल के जो है तो टारगेट अचीव नहीं करता तब तक सेल ऑन राइज रहेगा. ऊपर के लेवल पे आता है कॉपर तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट जा सकते हैं, वो भी इंट्राडे में. आई विल नॉट कैरी एनी क्योंकि यहाँ ओवरसोल्ड रीजन में है तो यहाँ कभी भी आपको गैप अप ओपनिंग दिखने को मिल सकती है और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है. सो आई मोस्टली प्रीफर इंट्राडे और यहाँ भी मेरा व्यू जो रहेगा वो सेल ऑन राइज ही रहेगा. मुझे लगता है कि कॉपर जो है तो आपको 590 से लेकर 580 के लेवल जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखा सकता है. तो डेली चार्ट पे सेल ऑन राइज व्यू मगर मोस्टली शॉर्ट करेंगे इंट्राडे बेसिस पे ही. वीकली चार्ट पे जो है तो यहाँ शॉर्ट जा सकते हो मगर यहाँ जो है तो शॉर्ट आपको फ्रेश शॉर्ट करना है तो 685-690 के लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस 715 के ऊपर टारगेट जो है तो 590-575 के टारगेट जो है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्गर टर्म में. और लॉन्ग टर्म में जो है तो यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हम 590 के टारगेट की तरफ जा रहे हैं. उसके नीचे जाता है तो आपको जो है तो 490 के भी लेवल जो है तो कॉपर दिखा सकता है. मोस्ट प्रोबेबली 490 के भी लेवल शायद कॉपर में आएगी एक बाउंस बैक आने के बाद. ऐसा मुझे लगता है कि ईयर एंड तक हम जो है तो 490 या उसके अराउंड के लेवल जो है तो कॉपर में देख सकते हैं.
तो यहाँ भी वीकनेस है या क्लियर कट लॉन्ग टर्म करेक्शन चालू है मंथली चार्ट पे। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए विथ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।